आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम सर्वसमिका है। सर्वसमिका को अंग्रेजी में आइडेंटिटीज कहते हैं। इसका मतलब जानने से पहले हमें चर और पक्ष के बारे में जानना आवश्यक है। चर और पक्ष, उदाहरण, ए और बी के योगफल का वर्ग ए के वर्ग और ए बी के गुणफल का दुगना और बी के वर्ग के योगफल के समान है। ये तो सबको पता ही होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए और बी चर है। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल्स भी कहा जाता है और समानता के चिन्ह के बाईं और दाईं तरफ को पक्ष कहते हैं, यानी ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष हुआ। अब हम सर्वसमिका का मतलब जानते हैं। सर्वसमिका की परिभाषा, समानता के जिस संबंध में चरों का कोई भी मान रखने पर बाएं और दाएं पक्ष की समानता बनी रहती है, उस संबंध को सर्वसमिका कहते हैं। उदाहरण, यहाँ दो चर है ए और बी। हम इसका मान अलग अलग रखकर देखते हैं कि दायां और बायां पक्ष समान है या नहीं, तब हम बता सकते हैं कि ये एक सर्वसमिका है। यानी अगर हमने माना ए और बी का मान एक है तो बायां पक्ष जो कि एक और एक का योगफल का वर्ग होगा, यानी दो का वर्ग चार, और दायां पक्ष एक का वर्ग एक और एक के गुणफल का दुगना और एक का वर्ग वह भी चार होगा। अगर हम मानते हैं कि ए का मान दो है और बी का मान तीन है तो बायां पक्ष दो और तीन का योगफल के वर्ग के समान होगा, यानी पांच का वर्ग होगा जो कि 25 है, और दायां पक्ष दो का वर्ग दो और तीन के गुणफल का दुगना और तीन के वर्ग का योगफल होगा, यानी चार बारह और नौ का योगफल होगा जो कि 25 है। इससे हम कह सकते हैं कि जो उदाहरण दिया गया है वो एक सर्वसमिका है। अब हम सर्वसमिका के उपयोग के बारे में जानते हैं। सर्वसमिका के उपयोग, सर्वसमिका गणित की बड़ी गणना यानी बहुत बड़े बड़े हिसाब को कम करने में मदद करता है। यह जिंदगी के हर क्षेत्र में उपयोग होता है। वैज्ञानिक, दुकानदार, डॉक्टर सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। एक उदाहरण से हम देखें तो अगर हमें 17 का वर्ग ढूंढना है तो हम कैसे करेंगे? या तो हम ऐसे करेंगे, 7, 7, 39, 4, 11 और 17। तो 17 और 17 का वर्ग 289 हुआ। अगर इसे आसानी से करना है तो हम 17 को 10 और
सात का योगफल मानते हैं, 10 और 7 का वर्ग ढूंढने के लिए हमने अभी पढ़ा था कि इसका वर्ग ऐसा होता है, इसमें ये हुआ और इसमें ये बी हुआ, तो 10 का वर्ग 10 और 7 के गुणफल का दुगना और 7 के वर्ग का योगफल होता है जो कि 100, और ये गुणफल 140 हुआ, और 7 का वर्ग भी हमें पता है। इससे हम और भी आसानी से हिसाब कर सकते हैं, इसीलिए सर्वसमिका के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब हम मुख्य भाग देखते हैं जो कि है ये एक्स और ए का योगफल और एक्स और बी का योगफल का गुणफल। अब हम इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार करने के लिए पहले मुझे एक्स को इसके साथ गुणफल करना पड़ेगा और फिर ए को इसके साथ गुणफल करना पड़ेगा, यानी एक्स और इसका गुणफल और ए और इसका गुणफल। अब हमें पहले एक्स को एक्स से गुणफल करना पड़ेगा और एक्स को बी से गुणफल करना पड़ेगा, और यहाँ ए को एक्स से गुणफल करना पड़ेगा और ए को बी से गुणफल करना पड़ेगा। तो ये बनेगा एक्स का वर्ग बी एक्स और ए एक्स और ए और बी का गुणफल, यानी ये होगा। इसमें समान पद है एक्स जो जो इन दोनों में समान है, ये और ये एक्स, और असमान पद है ए और बी। चलो अब हम इस विस्तार की विशेषता के बारे में जानते हैं। इस विस्तार में पहला पद है एक्स का वर्ग जो है समान पद का वर्ग, और दूसरा पद है ये जो है असमान पदों के योगफल तथा समान पद का गुणफल, और तीसरा पद है ये जो असमान पदों का गुणफल है। आगे बढ़ने से पहले हमें क्षेत्रफल के बारे में जानना आवश्यक है। हमने चतुर्भुज में पढ़ा था कि यह आयत होता है और यह वर्ग होता है। अगर हम माने कि इस आयत के इस भुज का माप ए है और इस भुज का माप बी है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ए और बी के गुणफल का समान होगा और इस वर्ग का क्षेत्रफल ए का वर्ग होगा। चलो अब हम एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के गुणफल का विस्तार किसी और भाषा में समझते हैं जो कि बहुत आसान है, वो है क्षेत्रफल की भाषा। अगर हम माने आयत के एक भुज का माप एक्स और ए का योगफल है और दूसरे भुज का माप एक्स और बी का योगफल है, तो हम इसे चार भाग में बांट सकते हैं जो कि अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। यहाँ ये एक वर्ग होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल एक्स का वर्ग होगा और यह एक आयत होगा, इसकी भुजाओं का माप एक्स और बी है, तो इसका क्षेत्रफल
एक्स बी हुआ और इस आयत का भुजाओं का माप एक्स और ए है, तो इसका क्षेत्रफल एक्स ए हुआ और इस आयत के भुजाओं का माप ए और बी हुआ, तो इसका क्षेत्रफल ए और बी हुआ, तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल जो कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का गुणनफल है, वो इन सभी छोटे छोटे भागों का क्षेत्रफल का योगफल ही होगा, जो कि एक्स का वर्ग, एक्स और बी का गुणनफल और एक्स और ए का गुणनफल और ए और बी का गुणनफल, जो कि आखिर में वही वापस आ जाता है। अगर हम सभी चीज क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर हमें इसका विस्तार चाहिए तो हम कैसे करेंगे? यहाँ प्रश्न को देखने पर हमें यह समझ आता है कि यहाँ समान पद जो x होता है वो है m और असमान पद a है 10 और b है 1, तो ये ऐसे हुआ। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं m का वर्ग और m और 10 और 1 का योगफल का गुणफल और 10 और 1 का गुणफल, तो हमें मिलेगा, तो इसका विस्तार m का वर्ग और 11 और m का गुणफल और 10 इन सब का योगफल होता है। अगर हम पिछला वाला x प्लस a और x प्लस b के गुणफल का विस्तार याद रखें तो इस प्रकार के उदाहरण हमें करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार मैं फिर से वो विस्तार बताता हूँ। देखिए, हर एक उदाहरण करते समय यह विस्तार आप जरूर पास में लिख लेना और हर उदाहरण बहुत आसान हो जाएगा। और कई उदाहरण हैं, सभी एक एक करके देखते हैं। अगर हमें इस प्रकार के प्रश्न का विस्तार ढूंढना है तो यह भी उसी प्रकार का हो जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। यहाँ समान पद b हुआ और असमान पद a का मान -2 है और b का मान 3 हुआ। तो अब ये वही चीज वापस हम दोहरा रहे हैं। यहाँ अगर हम ऊपर दी गई इसके हिसाब से अगर हम मानता भर देते हैं तो यह विस्तार b का वर्ग और b और -2 और 3 का योगफल का गुणफल और -2 और 3 का गुणफल हुआ, तो यह b का वर्ग और b और -6 का योगफल हुआ, तो b -2 और b +3 का गुणफल का विस्तार
ये होगा। अब हम कोई और उदाहरण देखते हैं जिसे हम और कुछ समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें 34 और 28 का गुणनफल का ढूंढना है तो अपने तरीके से ढूंढेंगे तो बहुत बड़ा होगा। इससे अच्छा अगर हम ऐसे करें, 34 को 34 और 28 में हमें एक समान पद ढूंढना है और उस समान पद का वर्ग भी हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब 34 और 28 के पास जिसका वर्ग हमें पता है वो है 30। तो 34 को 30 और 4 का योगफल लिखो और 28 को 30 और -2 का योगफल लिखो। अब 34 इंटू 28 ये हुआ 28। अब ये पिछले प्रश्न जैसा ही हो गया तो इसका विस्तार ये होगा। जो कि 30 का वर्ग और 30 तथा 4 और -2 का योगफल का गुणफल और 4 और -2 का गुणफल और इन सभी का योगफल होता है। तो 30 का वर्ग हमें पता है जो कि 900 है और ये सभी हमें पता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम हर प्रश्न का हल बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। अगर आप वैसे करोगे तो बहुत समय बर्बाद होगा और आशा है कि आप गलत भी कर सकते हो। इसलिए जितना हो सके सर्वसमिका का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे समय भी बर्बाद नहीं होगा और आप सही भी करेंगे सभी प्रश्न। अब हम ए और बी के योगफल का वर्ग देखते हैं। इस वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बाद ए को ए प्लस बी से गुणा करना और बी को ए प्लस बी से गुणा करना है। यहाँ ए को ए से गुणा करना और बी को और ए को बी से और फिर बी को यहाँ ए से और फिर बी से। तो यह ए का वर्ग होगा और ए और बी का गुणनफल, बी और ए का गुणनफल और बी का वर्ग, जो कि आखिर में यही हो जाता है। हम इस विस्तार को क्षेत्रफल की भाषा में भी समझ सकते हैं। चलो अब हम इसका विस्तार देखते हैं। ये भी वैसा ही होगा। जहाँ जहाँ ए प्लस बी में प्लस बी था वहाँ वहाँ हमें माइनस बी रखना है। यानी तो इसका विस्तार ए का वर्ग, ए और माइनस बी के गुणफल का दुगुना और माइनस बी का वर्ग जो कि बी का वर्ग हुआ, इन सब का योगफल होगा। इस प्रकार से हम किसी भी चीज का विस्तार ढूंढ सकते हैं। अब हम अगला विस्तार देखते हैं और इसका विस्तार ये भी बहुत आवश्यक है। जब इसका उदाहरण आएगा तब मैं बताऊंगा क्यों बहुत आवश्यक है। चलो अब हम इसका विस्तार ढूंढते हैं। पहले इसको इसका गुणनफल और बी को इसके साथ गुणनफल
ये हुआ, और ये करने पर ए का वर्ग और ए और माइनस बी का गुणफल का योगफल होगा, और इसका बी और ए का गुणफल और बी के वर्ग से घटाना होगा। यानी ये दोनों समान है लेकिन एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो ये दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। यानी जीरो और ये -20 स्क्वायर, यानी ए का वर्ग ए के वर्ग से बी के वर्ग को घटाना पड़ेगा, तो इसका विस्तार ये हुआ। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। अगर हमें 58 का वर्ग ढूंढना है तो हम कैसे करेंगे? या तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। 58 के पास 60 है जिसका वर्ग हमें पता है, तो हम 58 को 60 को अगर हम 2 से घटाएंगे तो 58 मिलता है। तो अगर हम 58 को 60 -2 के समान लिख सकते हैं, तो 58 का वर्ग ये होगा। तो अब हमें पहले हमने ये देखा हुआ है, ये इसके समान है। तो 60 का वर्ग और 2 का वर्ग, इसका वर्ग हमें पता है 6 का 36 होता है, तो 60 का 3600, और ये भी पता है 4 और 60 का गुणफल 240 होगा, और 2 का वर्ग 4 होगा, 3364 देगा। तो 58 का वर्ग 3364 हुआ। अब अगला उदाहरण देखते हैं। 77 और 83 का गुणफल। 77 और 83 के पास सिर्फ एक ही है जिसका वर्ग हमें पता है, वो है 80। तो 77 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 83 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसा हुआ। याद करके देखिए कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ऐसे भी एक सर्वसमिका है जो कि ये है। तो इसमें ये 80 के वर्ग को 3 के वर्ग से घटाना होगा। ये और भी आसान है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो 80 का वर्ग 6400 होगा, और 3 का वर्ग 9 होता है, तो ये 6391 होगा।